आइए किसान मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से हम कुष्मांड कुल के फसलों के एक प्रमुख कीट के विषय में आपको जानकारी प्रदान करते हैं, जिस कीट का नाम है फल मक्खी। ये मक्खी प्रायः फलों के बाहरी छिलकों में छेद करके उसके नीचे अंडे देती है। ऐसे छेद फसल में कई जगह प्रायः पास पास होते हैं तथा जिस स्थान पर छेद किए जाते हैं वहां सतह ऊपर हल्के भूरे रंग का स्त्राव करके उस अंडे को बंद कर देते हैं। अंडों से 3 या 5 दिन के बाद मैगेट यानी कि इल्लियां निकलती हैं, जो फलों के अंदर ही अंदर गूदे को खाकर नष्ट कर देती हैं। इस प्रकार क्षतिग्रस्त फल कीट के अंडे देने के स्थान से टेढ़ा हो जाता है और अंदर से खाने लायक नहीं रहता। इस कीट का ज्यादा दिनों तक प्रकोप रहने से फल सड़ जाता है। मक्खी के कुछ मैगेट फलों एवं बेल को भी खाते हैं, जिससे बेलों में गांठ बन जाती है। इस प्रकार फलों एवं फसल को काफी हानि होती है। इस प्रकार 20-25 दिनों में इल्लियां फल से निकलकर मिट्टी में शंखी के रूप में घुस जाती हैं, जिसमें से 1 सप्ताह के उपरांत प्रौढ़ मक्खी निकल जाती है, जो और फलों में अंडे देने की प्रक्रिया फिर से चालू कर देती है। हानिकारक कीट से सुरक्षा के कुछ उपाय इस प्रकार हैं किसान मित्रों। सर्वप्रथम, जिस खेत में इस प्रकार की फसलें लेने का विचार हो, उनकी मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी जुताई कर दी जानी चाहिए, ताकि मिट्टी में पड़े हुए प्यूपा आदि नष्ट हो जाएं। सब्जियों की बेलों को उखाड़ लिए जाने के उपरांत भी खेत की अच्छी प्रकार जुताई कर दी जानी चाहिए। जिन फलों पर मक्खी का प्रकोप हो चुका हो, उन्हें तोड़कर भूमि में गाड़कर नष्ट कर देना चाहिए। 8-10 दिन के अंतराल पर बेलों के नीचे की भूमि को हल्का खुरच कर मिथाइल पैराथियन के 2% चूर्ण का भुरकाव कर दिया जाना चाहिए, जिससे मिट्टी में उपस्थित हानिकारक कीट समाप्त हो जाएं। प्रौढ़ मक्खी को मारने के लिए मिथाइल यूजिनॉल नामक रसायन का उपयोग भी किया जा सकता है। इस रसायन की 100 मिलीलीटर मात्र 0.1% मेलाथियन के साथ मिलाकर एक छोटे मुंह वाली शीशी में डालकर खेत में कुछ स्थानों पर लटका दी जाती है। मक्खी इस पदार्थ की तरफ आकर्षित होकर इसे चूसती है और मर जाती है, जिससे इस मक्खी पर नियंत्रण पाया जा सकता है। किसान मित्रों, आपको ये प्रयास करना चाहिए कि इन रसायनों का प्रयोग फल खिलने से पहले की अवस्था में किया जाए। मई जून माह में जब कीट के प्रौढ़ फसल पर दिखाई देने लगे, तब 200 मिलीलीटर मेलाथियन 50 ईसी एवं 1 किलोग्राम गुड़ शक्कर को 100 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। फेनिट्रोथियन 0.05% 100 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करने से भी ये मक्खी नियंत्रित होती है। किसान मित्रों, अगर आप इस तरह के उपाय अपने खेतों पर अपनाते हैं तो आप कुष्मांड कुल की फसलों को विभिन्न कीटों से सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं तथा फसल में अधिकतम उत्पादन प्राप्त करके अधिक लाभ कमा सकते हैं।